Dear friends, welcome back to Reforms in India. मैं डॉक्टर कपिल कक्कर आज आपसे बात करूंगा ल्यूटवेंस डेली की। आप लोगों ने बहुत बार लोगों से सुना होगा कि ये जो ल्यूटवेंस डेली है या इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है उनकी पॉलिसीज के बारे में गवर्नमेंट की क्या राय है, वो लोग किस तरह देखते हैं, वो किस तरह अपोज कर सकते हैं या वो अवार्ड वापसी वाली चीजें की जो हम बात करते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा, ये ल्यूटवेंस तो एक जोन है दिल्ली में, पर यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं या उनका बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे आप देखेंगे ल्यूटवेंस दिल्ली का बहुत डीप कनेक्शन है प्री इंडिपेंडेंस से। अब मेरा प्री इंडिपेंडेंस एरा का क्या मतलब हुआ, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जो इलीट फ्रीडम फाइटर्स थे, मैं भगत सिंह की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और देसी फ्रीडम फाइटर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो हमारे इलीट। अब इलीट फ्रीडम फाइटर्स मैं किसको कहता हूं, इलीट फ्रीडम फाइटर्स आपके हो गए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, वीवी गिरी, ऐसे बहुत सारे आपको फ्रीडम फाइटर्स मिलेंगे जिन लोग की एजुकेशन, अपब्रिंगिंग एब्रॉड हुई थी। कहां हुई थी, उनकी अपब्रिंगिंग और एजुकेशन ऑक्सफोर्ड जैसी जगहों पे हुई थी और वो ब्रिटिशर्स के साथ काफी क्लोज थे। वो देश के लिए लड़ते तो जरूर थे पर उसके साथ साथ उनकी एक ब्रिटिशर्स के साथ एक सटल केमिस्ट्री थी और एक सटल अंडरस्टैंडिंग थी। तो जब 1947 में ब्रिटिशर्स हमारे देश से चले गए जिसमें इन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, सवाल ये था ये लोग तो कहीं ना कहीं 60-70 साल के उस टाइम हो गए थे, बड़े हो गए थे, इनकी जिंदगी भी खत्म हो रही थी और साथ में कहीं ना कहीं इनका जिंदगी का पर्पस भी खत्म हो रहा था क्योंकि हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी। अब सवाल ये था कि आगे इनकी नेक्स्ट जनरेशन क्या करती। तो इन्होंने और इनकी नेक्स्ट जनरेशन ने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पोस्ट थी उनको एक्वायर करना शुरू करा। तो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं पॉलिटिशियंस चलाते, आप मेरे ब्यूरोक्रेसी वाला वीडियो देखेगा, मैं मानता हूं इस देश को ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। पॉलिटिशियन 5 साल के बाद बदल जाते हैं, गवर्नमेंट बदल जाती है पर ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेट्स 40-45 साल रहते हैं। तो अब बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे इलीट एफ्लुएंट फ्रीडम फाइटर्स से फॉरेन एजुकेटेड थे, फॉरेन रिटर्न थे, अगर आप उनके बच्चे चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे आप देखेंगे वो लोग इंडियन ब्यूरोक्रेसी में आ गए, कोई फॉरेन सर्विसेज में चले गए। तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के थ्रू गवर्नमेंट को संभालना शुरू किया। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी आपकी जुडिशरी। तो उनमें से बहुत सारे लोग जुडिशरी में, जुडिशियल सिस्टम में पहुंच गए जहां पे वो जजेस बन गए। तो आप ये भी देखेंगे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के कनेक्टेड रिलेटिव्स होंगे जो आगे आगे जाके आप देखेंगे कि ये जो था इन लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था इन टर्म्स ऑफ एफ्लुएंट फैमिलीज। तीसरे थे जो लोग वो इंडस्ट्रियलिस्ट तो कम बने पर इन्हीं फैमिलीज के वो बन के बिचौलिए, चाहे आर्म्स डील करनी हो या कहीं पे कमीशन की बात हो, करप्शन के अंदर इधर से पैसा उधर करना हो, तो उन्होंने ये वाली करियर या चॉइसेस लिए। तो मेरा कहने का मतलब है मोटा मोटा, अगर आप एफ्लुएंट क्लास को देखेंगे, अगर आप कहेंगे कि ये ल्यूटवेंस दिल्ली क्या है, तो ल्यूटवेंस दिल्ली का डायरेक्ट सीधा सीधा कनेक्शन आपके एफ्लुएंट फ्रीडम फाइटर से है। वो यहाँ तो एफ्लुएंट फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है या उनके कोई और भाई के बच्चे हैं। तो आप वो पूरा नेटवर्क देखेंगे जहां पे शायद आपको ऐसे 10-15-20 हजार लोग मिलेंगे या आपको 1000-2000 फैमिलीज मिलेंगी जो कि इस न्यूट्रिएंट्स दिल्ली को कंट्रोल करती है। और उनका कंट्रोल करने का क्या था कि उनके हक में देश चले। तो ये तो हम पहली बात हो गई। दूसरी बात, हम कई बार बहुत जर्नलिस्ट को भी गालियां निकालते हैं कि ये भी ल्यूटवेंस दिल्ली को बिलोंग करते हैं। कई बार मैंने देखा है सागरिका घोष हो गई, राजीव सरदेसाई हो गया या बहुत सारे और भी एनडीटीवी के चैनल के लोग हो गए या XYZ हो गए, तो हम इनको मानते हैं, या अर्णब गोस्वामी को भी मैं ले लेता हूँ जो कि ऑपोजिट साइड का है। तो ये जो जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिसको
हम लोग या बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ल्यूटियंस दिल्ली के हैं, ये ल्यूटियंस दिल्ली के नहीं है, ये लोग ल्यूटियंस दिल्ली के फ्रिंज के हैं। फ्रिंज समझते हैं आउटर सर्कल के ये लोग हैं। अगर जो कोर ग्रुप है ल्यूटियंस दिल्ली का, जो मैंने आपको बताया हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनको अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह के जर्नलिस्ट चाहिए होते हैं जो कि फ्रिंज में आते हैं। लोग कई बार कहते रहते हैं कि जी ये देश आपका अडानी चला रहा है, अंबानी चला रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे हैं, टाटा चला रहा है, बट फिर वो ये भी कहते हैं ल्यूटियंस दिल्ली को देखिए ल्यूटियंस दिल्ली क्या कहते हैं। तो ल्यूटियंस दिल्ली का अगर आप बैकग्राउंड देखें, लीनेज देखें, ये कौन लोग हैं, ये एफ्लुएंट फैमिली से आते हैं जिनके दादाओं, परदादाओं, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स की एजुकेशन ही अब्रॉड हुई थी और उनका एक ब्रिटिशर्स के साथ एक सटल केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग था। तो मैंने क्या बोला, पहले आपके एफ्लुएंट ये आ गए जो कि कोर बनते हैं, जो कि आपकी यहाँ पे 1,000-2,000 फैमिलीज हो सकती हैं, जो कि जिनको आप ल्यूटियंस दिल्ली कहेंगे। फिर फ्रिंज ग्रुप आ गया जिसके अंदर जर्नलिस्ट होते हैं जो ल्यूटियंस दिल्ली के एक तरह से आप कह दें नेटवर्किंग है, माउथ पीस है। और उसके बाहर जब हम बात करते हैं, ये लोग एक्चुअली जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे आप अंबानी, टाटा, अडानी या आप उनको सेम उसमें नहीं रखना चाहेंगे, या आप जिंदल, मतलब आप जिस मर्जी को ले लें, अगर आप उन लोगों को देखेंगे, दीज आर द पीपल हु हैव क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट वेदर वी लाइक इट और नॉट। कई बार हम उनको कहते हैं ये लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये लोग गवर्नमेंट नहीं चलाते हैं, इनके पास एम्प्लॉयमेंट इतने ये लोगों को देते हैं कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इनकी बात माननी पड़ती है। पर जब हम अवार्ड वापसी गैंग की बात करते हैं, जब हम ल्यूटियंस दिल्ली की बात करते हैं, ये वीडियो मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि ल्यूटियंस दिल्ली है कौन, जब हम उन लोगों की बात करते हैं तो उन लोगों का इन इंडस्ट्रियलिस्ट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, नेटवर्किंग बढ़ती है, वो होता है, पर क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को रूल करा है 50 साल, इसलिए इनके जो नेटवर्किंग है और जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो सारे कांग्रेस के थे, इसलिए जो ल्यूटियंस दिल्ली है वो लोग अपना रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं, बट आज की डेट में वो म्यूट स्पेक्टेटर्स हैं। तो उनके जो एक्सटेंडेड माउथ पीस है, जो उनके जैसे मैंने कहा फ्रिंज एलिमेंट है, जो जर्नलिस्ट, वो उनके माउथ पीस बन गए हैं। मेरा कहने का मतलब है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, बट अगर हम इस देश में रिफॉर्म्स लेना चाहते हैं, बी इट ल्यूटियंस दिल्ली, बी इट नॉन ल्यूटियंस दिल्ली, दैट डज नॉट मैटर। द पॉइंट इज वी नीड जुडिशियल रिफॉर्म्स, वी नीड पुलिस रिफॉर्म्स, वी नीड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वी नीड एजुकेशनल रिफॉर्म्स। कोई भी लेके आए, जब तक वो रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तब तक इस देश के लोग स्ट्रगल करते रहेंगे और ये ल्यूटियंस दिल्ली एक हमारे लिए मसाला बन के पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा। और इस ल्यूटियंस दिल्ली को एक्चुअली अगर आप मेरे से पूछे, वी शुड इग्नोर देम कंप्लीटली, दे आर नोबडी। आप जितना इनको सर पे बिठाएंगे, आप जितनी इनकी चर्चा करेंगे, अनफॉर्चुनेटली मुझे चर्चा करनी पड़ रही है क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव था ये बताने का कि ल्यूटियंस दिल्ली व्हाट कंप्राइजेस ऑफ ल्यूटियंस दिल्ली। So once again, if you like this video, kindly share it far and wide so that we can bring reforms in this country sooner than later. Thank you so much.